कॉलेज में 3 टाइप्स के प्लान है, E1, E2, E3। E1 में हम 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी करवाते हैं। चेक से सिर्फ 20% पेमेंट ले सकते हैं सर, बाकी सब कैश में होगा। नेक्स्ट, आगे आइए। एक में एडमिशन चाहिए। जी बिल्कुल, लाइए। sin² x (cos²x) = sin² x (cos²x) = sin² x (cos²x) = 1 - sin² x. If f(x) = cos²x, then f is equal to how much? ये होमवर्क है, प्लीज राइट डाउन और मंडे को फीस भर देना। लेक्चर खत्म हो गया क्या? क्या सिखाया समझ में नहीं आया और बोल रहे हो होमवर्क करके आओ? दो दिन में खाली हो जाएगी ना। अभी जरा यहां साइन कर दो। कौन आया मां? तेरे पापा दादाजी की वीडियो शॉप बेच रहे हैं। क्यों? क्यों मतलब? हाँ, पढ़ाई देखिए अपनी, जैसे मार्क्स लाते हो ना उससे तो सीट भी नहीं मिलेगी। कोई चारा है? डोनेशन ही देना पड़ेगा। कल जाके दुकान खाली कर देना। ये गांव की पहली वीडियो शॉप थी और आखिरी वीडियो शॉप भी। अब ये भी नहीं रहेगी सिर्फ मेरी वजह से। अरे सैड क्यों होता है? इसे तेरी पढ़ाई के लिए तो बेच रहे हैं। और तू यहाँ आखिरी बार कब आया था? जब 10th में था। अरे अभी तेरे दादा तो बड़े रंगीन थे। ए बकवास मत कर, दिखाना साग कर रहा हूँ। क्या कड़क कलेक्शन है, इंटरनेट पे तो आग लग जाएगी। अंदर और भी खजाना है। Understand? यहाँ पर तुम्हें a - b² फॉर्मूला यूज करना है। क्या पढ़ाता है यार भाई? ये तो है कौन? सिरिपुरम। अरे ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो चलते ना। ए छोड़ो ना यार, अगर वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया ना तो एमसेट में रैंक भी मिल सकती है और एडमिशन के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सही कह रहा है। वही तो। ए सचिन,
यहाँ पे एस मूर्ति कहाँ रहते हैं पता है? ए मूर्ति, ये लोग तेरे बारे में पूछ रहे हैं मुझे। ए बच्चे, वो ये नहीं है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कम से कम 50 साल का होगा। यहाँ तो मूर्ति नाम के कई सारे लोग हैं, आप किस मूर्ति से मिलना चाहते हैं? मैडम, क्या आप ऐसे किसी प्रोफेसर को जानते हो जिनका नाम मूर्ति हो? गवर्नमेंट कॉलेज में काम करने वाला एक प्यून रहता है, उससे पूछो। ये कोई लेक्चरर नहीं है बाबू, ये इस कॉलेज का होनहार स्टूडेंट है, कभी कभी आता है यहाँ। तो कहाँ वो? कड़प्पा में होंगे, उस जिले के कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर? क्या वो हमें ट्यूशन देंगे? लगता तो नहीं है, पर ट्राई करते हैं। Excuse me. हाँ कहिए। वो हम अनकापल्ली से आए हैं, कलेक्टर साहब से मिलना है। अबे ये तो वो नहीं है, चल यहाँ से। अबे कलेक्टर है। अरे पर वीडियो में ये नहीं था, चलना निकलते। अरे तो अपनी तरफ ही देख रहे हैं। ओए हेलो, क्या कौन हो तुम लोग? यहाँ बिना नॉक किए तुम तीनों मेरे कैबिन में कैसे चले आए? सर हम वो अनकापल्ली से आए हैं। हाँ तो? एक्चुअली सर हम इसके दादाजी की वीडियो शॉप खाली कर रहे थे तो। वीडियो शॉप? तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? भूषण नाम था सर। तुम भूषण जी के पोते हो? हाँ बैठो। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तब तुम्हारे दादाजी के बहुत क्लोज था, जब वो चल बसे तब मैं तुम्हारे घर भी आए थे। तुम शायद फोर्थ या फिफ्थ में होंगे उस समय। फोर्थ सर। अच्छा तो बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? जब दादाजी की दुकान खाली कर रहे थे तब ये वीडियो कैसेट्स मिले, जब प्ले किया तो इसमें एक प्रोफेसर मैथ्स पढ़ा रहे थे, वहीं से आपके नाम का कार्ड मिला। बॉक्स में था, ये कैसेट्स के साथ पड़ा था, इसीलिए हम। इस वीडियो में कौन पढ़ा रहा है सर? ये मेरे गुरु हैं। के दौर में प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की वजह से देश के आर्थिक हालात सुधरने लगे थे, लोगों का रहन सहन भी बेहतर होने लगा था, शिक्षा एक अहम जरूरत बन गई, इंजीनियरिंग और एमबीबीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड बढ़ने लगी। इस डिमांड का फायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया। शिक्षा अब एक धंधा बन गई थी, हर शहर में प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस सेटअप कर दिए गए। एमसेट कोचिंग सेंटर्स के जरिए बेहतर एजुकेशन के नाम पर वो अपने स्कूल्स की फीस बढ़ाने लगे, और उसी दौरान स्टेट गवर्नमेंट्स सरकारी जूनियर कॉलेजेस चलाने में नाकाम होने लगी। हालात इतने बुरे थे कि सरकार लेक्चरर्स को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर प्राइवेट कॉलेज ओनर्स ने सबसे अच्छे प्रोफेसर को मोटी पगार का लालच देकर खरीद लिया। कई गवर्नमेंट कॉलेजेस लेक्चरर्स न होने की वजह से बंद होने लगे। गरीब स्टूडेंट्स जिनके लिए प्राइवेट एजुकेशन पहुंच से बाहर थी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। तब उनके माता पिता ने आंदोलन और मोर्चों का सहारा लिया। प्राइवेट कॉलेजेस का बढ़ता धंधा ऑपोजिशन पार्टी की आंखों में चुभने लगा। प्राइवेट कॉलेजेस बंद करो। इस बात से जाहिर होता है कि हमारी सरकार में दम बिल्कुल नहीं है। पिछले 5 साल से ये प्राइवेट कॉलेजेस शिक्षा के नाम पे धंधा कर रहे हैं। आपको बता दूं मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई 5,000 में है। श्रीनिवास त्रिपाठी, त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का चेयरमैन और प्राइवेट जूनियर कॉलेज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जब सरकार अपने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस चलाने में नाकाम होने लगी तब उन्होंने फीस रेगुलेशन बिल लागू करने की योजना बनाई ताकि उनकी साख भी बची रहे और त्रिपाठी के प्राइवेट कॉलेजेस पर लगाम लगाई जा सके। तब
उसने एक मास्टर प्लान बनाया, अ मैन विद अ डेंजरस विजन। अगर वो द्रोणाचार्य होता तो एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एक नहीं सारी उंगलियां मांग लेता। प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ मिलकर काम करेंगे। जो सरकारी जूनियर कॉलेजेस बंद हो गए हैं उनके साथ हम जुड़ेंगे और उन्हें चलाएंगे। हम अपने बेस्ट लेक्चरर्स वहां भेजेंगे और उनकी पगार भी हम ही देंगे। अरे मुझे किसी का डर नहीं। ये क्या बात हुई त्रिपाठी, तुम्हारे मन में जो आया तुम टीवी पर बकबक करके चले आए। चुप रहो। भिखारी को एक रोटी देने से पहले भी दो बार सोचता हूँ। जो भी बोला है मैंने सोच समझ के बोला है। इस देश में एजुकेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल सर्विस थी, लेकिन हमने छोटे छोटे लूप होल्स ढूंढकर एक बड़ा बिजनेस बनाया। लेकिन एक फीस रेगुलेशन बिल कैन फिनिश ऑल ऑफ अस। कहिए मिस्टर श्रीवास्तव, आपका कोचिंग सेंटर 45,000 पर एनम फीस लेता है, तो अब अगर फीस 6,000 हो जाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और आप सर, मिस्टर रामानुज, आपका इंस्टीट्यूट 80% फीस कैश में लेता है, सब जानते हैं। अगर इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो तुम तो निकल लो। त्रिपाठी, अगर तुम सारे के सारे बेस्ट प्रोफेसर्स गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने भेज दोगे तो यहाँ पढ़ने कौन आएगा? कुछ तो दिमाग लगा सुधाकर, बेस्ट प्रोफेसर्स कौन भेजने वाला है? मतलब हम लोग वहाँ सिर्फ जूनियर लेक्चरर्स भेजेंगे। वही जो सीनियर लेक्चरर्स की गैर हाजिरी में अटेंडेंस लेते हैं, गाइड बुक पढ़कर स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करते हैं, हॉस्टल के लड़के मुसीबत में पड़ जाएं तो वॉचमैन बनकर झगड़ा सुलटाते हैं। वॉलीबॉल मैच की बेट लगी थी सर, बेट तो 100 की थी, लेकिन अब ये लोग 1,000 रुपए मांग रहे तिलक। त्रिपाठी इंस्टीट्यूट में मैं जूनियर लेक्चरर हूँ मैथ्स का। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं भाई। हाँ तो ये लोग नादानी में शर्त लगा बैठे, इन्हें माफ कर दो प्लीज। पैसा दे और यहाँ से कल्टी खा। एक मिनट हाँ भाई, जेब में कुछ पैसे हैं, दो। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं सर। चलेगा। चंदा करके ये 600 रुपए जमा कर पाया हूँ भाई, ये पैसे आप रख लीजिए प्लीज भाई, बच्चों को जाने दीजिए। हाथ जोड़ता हूँ भाई, चल निकल। थैंक यू भाई, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तेरी तो स्कूल में पढ़ने लिखने आते हो या फिर शर्त लगाने आते हो? चल। ए, खेलते वक्त गिर गया ना, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ सर, इन्होंने मारा है। भाई, तुम लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स को मारा क्या? हाँ मारा, क्या करेगा। इसका खास ध्यान रखना। Thank you.
पेन। मैंने नहीं बेटा, ऊपर वाले ने दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने ये मीटिंग बुलाई है इसकी एक खास वजह है। त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने हमारी स्टेट के कुछ सरकारी कॉलेजेस को संभालने का फैसला किया है। मैं वहाँ आपको फैकल्टी के तौर पर भेज रहा हूँ। कहीं भी भेजो, बस पगार बढ़ा दो। लेकिन आपकी सैलरी जितनी थी उतनी ही रहेगी, और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उसे ध्यान में रख के आपको रिवॉर्ड जरूर दिया जाएगा। सर, लेकिन हमें रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? इसने पूछा। मैंने सर, मेरा नाम है बाल गंगाधर। हमें क्या मिलेगा अगर आप ये बता दें तो हम सब दिल लगा के काम करेंगे। सर, क्या चाहिए तुम्हें बताओ मुझे। सर, अगर आपको हमारा परफॉर्मेंस पसंद आए तो हमारा प्रमोशन जरूर कर देना। सर, है ना? ठीक है, जिस कॉलेज में तुम्हारी पोस्टिंग होगी वहां का हर एक स्टूडेंट अगर तुम्हारे पढ़ाए सब्जेक्ट में पास हो गया तो मैं तुम्हें सीनियर लेक्चरर बना दूंगा। ठीक है ना? ओके सर, सुपर सर, थैंक यू सर। सर, ऐसा करना जरूरी था? पिछले महीने मेरे ड्राइवर ने गाड़ी चलाने से मना कर दिया, बोला पगार बढ़ाओ। मैंने उसे कहा अगर एक महीने तक गाड़ी पर कोई खरोच नहीं आई तो मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा। पिछले महीने तक गाड़ी पर एक भी खरोच नहीं आई थी, लेकिन इस महीने 3 जगह गाड़ी पर डेंट है। जब मुझे उनकी बात टालनी होती है तब मैं उनके ऊपर दबाव बढ़ाता जाता हूँ, और उसी दबाव में वो गलती कर बैठते हैं। एसी चालू किया? हाँ, चालू किया। तब से पगार बढ़ाने की बात नहीं की, बल्कि खुश है कि मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला। ये सब भी कुछ ऐसे ही है, ज्यादा फिक्र मत करो। जी सर। और जब एक सर्कल का सर्कमफेरेंस पता करना हो तो अंकल नमक कितना डालना है? 2 चम्मच डाल दे। बालू कहाँ है? वो कल जाने वाला है ना, इसलिए अंसारी भैया ने उसे खाने पे बुलाया है। अंकल ये क्या है? परसों पीएफ मैच्योर हुआ ना, तो मैंने ऊटी में 3 एकड़ जमीन खरीद ली। रिच मैन। सीनियर लेक्चरर बनते ही मैं भी प्रॉपर्टी खरीदूंगा। बालू, एक बात हमेशा याद रखना। कहिए ना। पढ़ाना सिर्फ एक पेशा नहीं है, एक जिम्मेदारी है। तुम्हारी पगार से ज्यादा तुम्हारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर ज्यादा अहम है। आपने कमा लिया, अब ज्ञान दे रहे हो। आपकी बात अलग है, आप अकेले हैं। मुफ्त में बच्चों को पढ़ाकर भी हिल स्टेशन पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मेरी बात अलग है, मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, वो जमीन मैं तुम्हारे नाम कर देता हूं। अच्छा, तब फ्री में पढ़ाओगे? पहले ट्रांसफर तो करो, फिर मैं सोचूंगा। अरे अंकल, सर, बालू सर। अरे यार, ये फिर शुरू है क्या पापा? ये मेरा बेटा है, बालू सर। बालू सर, सर प्लीज बैठे ना सर। मैंने कितनी बार कहा है मुझे सर कह के मत बुलाया कीजिए। ड्राइवर नारायण, पिछले 30 सालों से मैंने कई लोगों को सर सर पुकारा है, लेकिन आज मेरे बेटे को पूरा कॉलेज सर सर कहकर पुकारने वाला है। मुझे भी कहने दीजिए ना सर, बालू सर। पापा, आपका बेटा बालू कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है, एक मामूली सा टीचर है। मुझे इतनी इज्जत मत दीजिए। टीचर भगवान का रूप होता है बेटा। नाम बताइए। बाल गंगाधर। ड्राइवर चले क्या? ओए बच्चन खान, खड़े खड़े पॉज मत दे, गाड़ी स्टार्ट कर। ए, ड्राइवर मैं नहीं हूँ। ड्राइवर मैं हूँ सर। ओ अच्छा, आपकी शक्ल देख के धोखा खा गया मैं। बाल गंगाधर, मैथ्स टीचर। कार्तिक, केमिस्ट्री, रॉयल जूनियर कॉलेज। और अपन ब्लू रेडी फिजिक्स पॉन्डिचेरी से। भाई साहब, अभी अभी मेरा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ है, वजन उठा नहीं सकता, उठाऊंगा तो दर्द देगा। मैं रख दूंगा यार, तू टेंशन मत ले।
ऑपरेशन के बाद सिगरेट पी सकते हैं क्या? हाइड्रोसिल हुआ है, टीबी थोड़ी ना हुई है जो डॉक्टर सिगरेट पीने के लिए मना करेगा। जल्दी घर के वास्ते जो भी मांगे आसमाए उस पर हंसती है ये धरती। बच्चों की तरह स्कूल ड्रेस क्यों पहनी है? रेस्पेक्ट। उसकी हंसी उड़ाए दरिया भी उतना खा ले प्यारे, भूख तेरी है जितनी, जिंदगी कह रही है कब से यही बात तुझे, बदन तो है रे झोला, चल रे उठा ले झोला, तेरा कहाँ गाँव भला, मुसाफिर तू अकेला, राह भी है तू ही, राही भी है तू ही, होके निर्मोही, चला चल रे बंजारा, साथ ये किसी का, तारी ये किसी की, फिर भी सुर में है रे तेरा एक। मारना पड़ेगा जिससे स्टूडेंट्स पास हो जाएं और हम चुटकी में सीनियर लेक्चरर बन जाएं। भाई भाई तू सो क्यों रहा है? हां सुन रहा हूं भाई। अरे नहीं नहीं तू सो रहा था, मैं वापस सुनाता हूं। अरे तू सुन ना यार, इसे मार टपली। अबे ओए मरीज, रेडियो शुरू हो चुका है, सो मत मजा ले ले। तपती धूप में तू अपना जिगर झुलसा ले, आंसू छल के तो कह ले उसे बरसाते, नरमी से कोई गर्मी देगा सर्दी से दोस्ती तो कर ले, राह भी है तू ही, राह भी है तू ही, हो कि निर्मोही, चला चल रे बंजारा, साजिए किसी का, तारिए किसी की, फिर भी सुर में है रे तेरा एक तारा। सर जी आप ही शहर से आए ना कॉलेज में पढ़ाने के लिए? मैं कॉलेज का प्यून हूँ स्वामी। तो यहाँ मेहमान आया, तू चादर तान के सो रहा, उठ आ गया से। जब मार क्यों रहे? सोने देना उसे। अरे कुछ नहीं सर, इसका रोज का काम है, आप आइए अंदर चलिए। यहाँ तीन कमरे हैं सर, इस वाले में बाथरूम अटैच है, बाकी दोनों कमरों के बाथरूम बाहर हैं। चलता हूँ सर, कल आपको कॉलेज में मिलता हूँ। नमस्ते। अरे भाई वो हाइड्रोसिल ऑपरेशन हुआ है ना, तो बार बार टंकी फुल हो जाती है मेरी, तो अपन फ्री का एक सलाह देता है, बेडरूम मैं लेता हूँ अटैच्ड बाथरूम वाला, ठीक है ना? सुबह मिलते हैं। अबे रुक रुक रुक, जब देखो हाइड्रोसिल वो ट्यूमर नहीं है, शत्रुमुर्ग का अंडा है। अरे केमिस्ट्री क्यों फिजिक्स से लड़ रहा है? रिलैक्स गया, तेल लेने, सिगरेट पिएगा तो बीमारी होगी ना। अबे पूरे सिगरेट का पैकेट घुसेड़ दूंगा तेरे अंदर, मेरी बात ध्यान में रखना, उस रूम में सिर्फ मैं रहूंगा। हाइड्रोसिल वाले की हाय लगेगी, तू भी शुतुरमुर्ग के अंडे लेकर घूमेगा। अबे ओए अपने अंडे पर ध्यान दे, मेरा छोड़ दे गोचू। बस हो गया, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो यार? हम कौन है? टीचर्स, अपनी इज्जत है यार। ठीक है एक काम करते हैं, इंकी पिंकी पोंकी से डिसाइड करते हैं। ओके मेरे को चलेगा। ओके ना? हाँ ओके। इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, इंकी पिंकी पोंकी, तू बाहर हो गया। मेरा डोंकी मर गया, निकाल। सिर्फ हम दोनों बचे, इंकी पिंकी पोंकी, वो तो है, फादर हैड अ डोंकी, वो भी है, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, इंकी पिंकी पोंकी। ए रूम मेरा, यस। क्या मस्त चीटिंग की यार, तू इसका ख्याल रख, तू इसका रख, मैं चलता हूँ। इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड, अरे चलना यही डोंकी है, ठंड में हाइड्रोसिल में ज्यादा दर्द होता है। ले ले फोटो ले फोटो ले। हाँ ऐसे खड़े रहिए, शादी के बरातियों की तरह स्वागत हो रहा है ना? वीडियो ले भाई। एक नंबर। ठीक से करना। नमस्कार मास्टर जी, मैं बाती पापा राव, इस गांव का सरपंच, लगातार 3 साल से जीत रहा हूँ। जी जी धन्यवाद, जीजा जी ने बताया कि आप आ रहे हैं, मैं यही कुर्सी लगाकर सवेरे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। जीजा जी कौन? अरे त्रिपाठी जी, हम दूर के रिश्तेदार हैं लेकिन बहुत करीब हैं। और ये ना, नहीं ये नहीं, ये वाले सुदर्शन शर्मा जी है, वाइस प्रिंसिपल और हिंदी लेक्चरर, बहुत अक्लमंद। ये ना दीक्षित जी है, प्रिंसिपल है, हिस्ट्री और संस्कृत लेक्चरर। हाँ, और ये भूषण जी हैं, इनका बहुत बड़ा वीडियो शॉप है, ये हमारे वीडियोग्राफर भी हैं और फोटोग्राफर भी हैं। स्टिंग ऑपरेशन? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं करते।
क्या है कि हमारे गांव के बाहर एक पुराना सिनेमा हॉल है, वहाँ पर हर शनिवार को रोमांटिक इंग्लिश पिक्चर चलाते हैं, इसलिए सभी लोग जानते हैं। आइए सर, कॉलेज में चलते। चलो चलो। ये सेकंड ईयर के क्लासरूम बंद क्यों है? कोई यहाँ आता ही नहीं है। ऐसा क्यों? पिछले कई सालों से कोई भी टीचर यहाँ आने को तैयार नहीं है, इसीलिए कॉलेज बंद हो गया था। हाल ही में शुरू हुआ है। पहले साल एमपीसी के 27 बच्चे थे। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स? एक भी नहीं है। मतलब साल भर होली दिवाली ना? बिल्कुल नहीं, सरकार हमें ऐसे चैन से कहाँ बैठने देगी। इलेक्शन में ड्यूटी लगाकर पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देती है हमें। फ्री में घूमने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए। बेटा, गुड मॉर्निंग सर। मिस मीनाक्षी, बायोलॉजी की लेक्चर है। आई एम कार्तिक, केमिस्ट्री टीचर। मायसेल्फ ब्लू रेड। हाइड्रो सर। क्या हुआ? बालू, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। पिछले 4 सालों से यही पढ़ा रही हैं ये। इन्हें प्राइवेट कॉलेजेस से काफी अच्छे ऑफर्स मिले, पर इन्होंने साफ मना कर दिया। गुड मॉर्निंग, बैठिए बैठिए। बच्चे पढ़ने के लिए बेचैन लग रहे हैं। ये है मेरी बेटी महालक्ष्मी। पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना और अपने पापा का नाम रोशन करना। चलिए मैं चलता हूँ, आप लोग जारी रहिए। अब आइए। ठीक है जी। हाँ जी, नमस्ते सर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला दिन है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है सर। अरे क्या मीनाक्षी मेरी है, अपना दर देख ले। अरे वो तो रुमाल रखना भूल गया था। रुमाल रखेगा? मेरा रुमाल फाड़ दूंगा मैं। क्या जब देखो लड़ते रहते हो? कौन है हम लोग? लेक्चरर्स। करेक्ट, अपनी इज्जत है यार। हमेशा इज्जत डालो। देख भाई, वो टीचर तेरे लायक नहीं है। यस, क्या बोलो? और कार्तिक, तू उसके लायक नहीं है। हमारे पतीले में तू मुंह मारेगा। आहा, क्या आइडिया दिया यार तूने, थैंक यू। ए हिसाब किताब, हमारे ट्रायंगल को रेक्टेंगल मत बना, समझा? पतली गली पकड़ ले, मुझे कहा ले जाना। 2 साल बाद जब मेरी मीनाक्षी मैडम से शादी होगी, तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे जो तुझे मामा कह के बुलाएंगे। मामा? रक्षाबंधन पर मेरे घर पे राखी लेकर आना। पिंकी पिंकी पोंकी कर देना। हाँ? हाँ? क्या कहा? पिंकी पिंकी पोंकी कर रहा है? हाँ? क्यों बे न्यूटन, मीनाक्षी मैडम के नाम का सट्टा खेलना चाहता है? कान खोल के सुन, ये गणित का महाविद्वान अध्यापक मैडम का हिसाब किताब करेगा। ठीक है फिजिक्स, ठीक है केमिस्ट्री, चलता हूँ। बिल्लियों के झगड़े में बंदर जीत गया। जितने भी बच्चे जो 10वीं पास कर चुके हैं, प्रेसिडेंट ने उन सबको बुलवाया था फोटो लेने के लिए, ताकि लोगों की नजर में उसका रुतबा बढ़ जाए। उसी का एक नमूना। धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की आदत पड़ जाएगी। बालू सर का सीनियर लेक्चरर बनने का सपना उनकी आंखों के सामने टूटने लगा, उनकी हिम्मत टूटने लगी। साइलेंस। जानते हैं उस पूरे जिले में बस यही एक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज है। तकरीबन 2 साल पहले तक आसपास के गांव के बच्चे भी इसी कॉलेज में पढ़ने आते थे। तो अब क्यों नहीं आते?
कॉलेज बंद हो गया। जिनके पास पैसे थे उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट जूनियर कॉलेज में भेजा और गरीबों ने अपने बच्चों को काम पर लगा दिया, वो भी मजबूर थे। लेकिन अब तो कॉलेज खुल चुका है ना मैडम, और हमको यहाँ पढ़ाने के लिए बुलाया ना। अगर आप ही उन्हें छोड़कर चले गए तो कॉलेज फिर से बंद हो गया तो कल उन बच्चों को कॉलेज में बुलाने के लिए हमें उन्हें खाने का लालच देना पड़ा। जब उन बच्चों को पढ़ने की इच्छा थी तब उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं था। आप तो यहाँ आ गए लेकिन फिर भी उन बच्चों के मन में डर है, वो भरोसा नहीं कर पा रहे। उनका छोड़ो, मुझे भी भरोसा नहीं है। क्यों? अब आपको कैसे बताऊं? आइए मेरे साथ। वो नोटबुक कहां गई? ये देखिए, देखिए सर, मेरे नाम से फ्लेम्स खेल रहे थे। पहली बार ऐसा आया तो स्पेलिंग ही बदल दिया उन्होंने, मीनाक्षी का मीनाक्षी बना दिया। इन पर भरोसा करूं? पर रेड्डी तो ऐसा आदमी नहीं है ना मैडम। देखना, एक हफ्ते के बाद आप भी इनके जैसे हरकतें करोगे, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक महीने की बात है, आप भाग जाओगे क्योंकि आपके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे। नहीं मैडम, यहाँ आने का मेरा एक मकसद है, मैं भागूंगा नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आज से 3 दिन बाद यानी कि मंडे, आप देखना मंडे को गांव का हर एक स्टूडेंट कॉलेज में प्रेजेंट होगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है मैडम। ओके मैडम, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। सर जी कहिए। गोपी का जो कॉलेज में पढ़ती थी वो कहाँ है? ले लो चिवड़ा, ले लो पापड़, ले लो। गरीब है साहब और सबको पालना भी है, हम पेट देखे हैं पढ़ाई। वो तो सरपंच साहब ने बच्चों को एक दिन के लिए बुलाया था, रोज भेजना मुश्किल है। अगर ये सिलाई करना सीख जाएंगे तो घर में कुछ पैसे आ जाएंगे, पढ़ लिख कर क्या करेगी। गोपाल कहाँ है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है? मैं उसे पढ़ाना नहीं चाहता, तबेला संभालने के लिए डिग्री की क्या जरूरत है। श्यामला की इडली की शॉप है सर, वो मेरी सुनता ही नहीं है। और शिवा की किराने की दुकान है, पैसे आते रहते हैं इसलिए बच्चे जुआ खेलते हैं। अब बड़ा हो गया है, शादी होती ही सुधर जाएगा। पापा ने पूरे साल की पगार पहले ही ले ली थी साहब, अब मालिक यहाँ से नहीं जाने देंगे। अरे बंद कर, बोलना कितने बंद कर रही है। पापा मुझे भी कॉलेज जाना है। इसने 10वीं तक पढ़ लिया वही बहुत है, गाँव के बाहर रहते हैं साहब, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कॉलेज जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? उसे नौकरानी का काम मिला है, महीने के 2000 कमाती है। पंडित जी मैं नहीं भेज पाऊंगा, क्षमा कीजिए। महर्ष बाबू, मैं बस चाहता था कि मेरी बेटी पढ़ लिख सके, अब उसकी माँ उसे खाना बनाना वगैरह सिखा रही है, फिर हम उसकी शादी कर देंगे जैसा हर घर में होता है। सर क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? आप ये क्या कह रहे हैं महर्ष बाबू, आप मेरे जीजा जी के आदमी है, आवाज कीजिए ना। मैं चाहता हूँ कि आप एक पंचायत बुलाएं जिसमें स्टूडेंट्स के साथ उनके माता पिता भी आए। बुलवा लेंगे। ए, जी मालिक। काम पे लग जा। ठीक है। मैं बुलाऊं और लोग ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखा, मेरा गांव आ गया। आपकी पंचायत सुनने तो पूरा गांव आ गया, लेकिन मेरा लेक्चर सुनने तो कॉलेज में कोई नहीं आता सर। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जब उनके माता पिता से इस बारे में बात की तो कहते हैं पापी पेट का सवाल है। ये क्या बात हुई, पढ़ाई भी तो पैसों के लिए होती है, और इसमें गलत क्या है? पेट पालने के लिए मैं, मेरी बीवी और बच्चे रोज काम पर जाते हैं, तब जाके हमें 2 टाइम का खाना मिलता है। अगर हम अपनी बेटी को कॉलेज भेजने लगे ना तो तीनों भूखे मर जाएंगे। क्या बात है बोले महर्ष बाबू, ये हमारे इंस्पेक्टर सुरेश जी से मिले हुआ, इन्हें हर महीने सब काट कटा के 4000 तनख्वाह मिलती है। सही कहा। और वो रहा सोमू, वो मुंशड़, वो ना अनपढ़ है, अंगूठा छाप, जब तक 5000 का धंधा ना हो जाए शटर डाउन नहीं करता। वो तो एक ग्रेजुएट से भी ज्यादा कमा रहा है, इतना पढ़ लिख कर भी क्या मिला ठेंगा। सही, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनिए।
रामेश्वरम में मछुआरे का एक परिवार रहता था। बीवी जो थी वो घर की देखभाल करती थी। उनके 5 बच्चे थे। बहुत ही गरीब परिवार था। इसके बावजूद भी उन्होंने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजा। बीवी अक्सर खाली पेट सो जाया करती थी ताकि बच्चे पेट भरकर खा सके। न जाने माँ की कुर्बानियों में ऐसा क्या जादू था कि उनका सबसे छोटा बेटा पढ़ने लिखने में बहुत तेज निकला। हर क्लास में फर्स्ट आता। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वो इंजीनियर बन गया और इसरो में साइंटिस्ट बना। मिसाइल मैन, इस नाम से वो मशहूर हुए। कुछ साल पहले उन्होंने पोखरण में परमाणु बम भी टेस्ट किया। क्या आप बता सकते हैं वो महान इंसान कौन है? APJ अब्दुल कलाम। उनके पिताजी ने अगर उस वक्त ये सोचा होता कि मेरा बेटा भी मेरे साथ अगर मछली पकड़े तो मैं और ज्यादा मछलियां पकड़ सकता हूँ और फिर उसे मार्केट में बेच के दुगने पैसे कमाऊंगा। अगर ऐसा होता तो हमारा भारत देश एक महान साइंटिस्ट खो देता। थोड़ी देर पहले आपने इंस्पेक्टर साहब को सुरेश जी कहा था, लेकिन शराब बेचने वाले सोमी भैया को नाम से बुलाया था। पापा राव, पापा राव जी, पैसे कमाने के तो हजार तरीके होते हैं, लेकिन अगर इज्जत कमानी हो तो पढ़ना लिखना जरूरी होता है। सबके साथ और हमेशा रहूंगा। तुम सबका भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। कॉलेज में मिलते हैं। सफाई करवा लो, कल से बच्चे आ रहे हैं। आपने मेरा और बच्चों का भरोसा जीत लिया है। वेलकम टू द कॉलेज। उनका इंतजार करके कोई फायदा नहीं, कोई नहीं आएगा। सुदर्शन जी, हाँ, तुम्हारे भाषण का उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ा है, कोई नहीं आएगा। क्या है ये? पापा ने पैसे लौटाने को कहा। क्यों? कॉलेज जा रही हूँ ना। उम्मीदों के दीप कह रहा हूँ मैं, मुझे वो हजारों खाब के आंखों से मिटा ले।
सुपर। थैंक यू सर। लेकिन सबकी हैंडराइटिंग सेम टू सेम लग रही है, ऐसा क्यों? होमवर्क किससे करवाया बताओ? अगर जवाब नहीं मिला तो आज क्लास नहीं होगी। माफ कर दो सर, हम में से किसी ने नहीं लिखा। लिखा कौन? सत्तू ने सबके लिए लिखा सर। कौन है वो? वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता था। एमसेट के एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही उसके माता पिता ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। इस हादसे ने उसे पढ़ाई से दूर कर दिया और धीरे धीरे उसे नशे की लत पड़ गई। चंद पैसों के लिए वो हर काम करने लगा, अनाज से लावारिस हो गया। मेरे लिए काम करोगे? रोज 30 रुपए मिलेंगे, बस जो कहूंगा वो करना। आ जा। लफड़ा छोड़ो, पैसा पैसा तुम छोड़ो, हाथों से हाथ को जोड़ो। यू हैव वन लाइफ। ख्वाबों के रंग निराले, राहों के दीप उजाले, पढ़ ले लिख ले तू लाले। यू हैव वन लाइफ। माँ के बहते पसीने है तेरे भाग की रेखा, ये ना सीखा तो क्या सीखा। यू हैव वन लाइफ। दुनिया में जहाँ भी जाओ, बाबा की सोच में आओ और उनका मान बढ़ाओ। यू हैव वन लाइफ। पत्ते खेलने नहीं गया? मैंने आज से पत्ता खेलना छोड़ दिया पापा। क्या बोला? चप्पल खाली है तो फिर मच्छर से क्या फर्क पड़ता है? तू अंदर जा, कछुआ छाप लेकर आ। मलेरिया। मेरी मीनाक्षी का ख्याल रखना। मच्छरदानी लगा के सोना। तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं मरना। अरे रुक ना यार, मलेरिया से इतना डर रहा है, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे ताऊ सब मच्छर काटने से ही मरे थे, मुझे नहीं मरना। लेकिन तू मोटी चमड़ी है यार। अबे मोटी चमड़ी है पतरे का कवच नहीं। गांव के मच्छर को कम नहीं समझना, खून चूसने में ड्रैकुला को भी फेल कर देते हैं। तुझे रुकना है तो नहीं। अबे स्कूल क्यों नहीं गया? अबे होमवर्क दिया था, पूरा किया कि नहीं? तूने देखा ना, तेरे को गुड मॉर्निंग बोला, मेरे को पूछा तक नहीं रहना। अरे बात सुन, रुक तो। बाय सिस्टर। क्या किस्मत पाई है? अब हम क्या करेंगे सर? अब से फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाया करूंगा। आप? आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है? मैडम आप मुझे समझती क्या है? इंटर में मुझे फुल मार्क्स मिले थे, इंग्लिश में कम आए थे, वरना 1000 में से 1000 मार्क्स तो मुझे आराम से मिल जाते। रेड्डी सर और कार्तिक सर घर चले गए, उनके घर में शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है। इसलिए तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस आज से मैं लूंगा। आ जाओ। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की मैं कंबाइन क्लास लूंगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। चलो थोड़ी जगह देना बैठने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है
चलो स्पीड, चल जाके नीचे बैठ। ए हद मेरे और निकल। ए ए चल निकल निकल दे। आखिर बात क्या है, क्या हुआ? अरे बैठो ना सर, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते सर। क्यों? क्योंकि ये लोग। कौन लोग? ये लोग अलग है सर। अलग मतलब? मतलब कि छोटी जाते हैं। हम खड़े होके पढ़ लेंगे सर। हाँ सर। तुम सब बाहर जाओ। पर हमने क्या किया सर? गेट आउट। चलो नोट करो, स्पीड इसका मतलब होता है रफ्तार। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? सर ने कहा कि बाहर जाओ। पर क्यों? बालू सर। टेक्स बाय मैडम 5 मिनट्स प्लीज मैडम। थैंक यू। एक ऑब्जेक्ट जब निर्धारित समय में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उसे कहते हैं टाइम लिमिट। सब समझ गए? हाँ समझ गए। अच्छे से समझे ना? हाँ सर। वेरी गुड, गेट आउट। जाओ जाओ। अब तुम लोग अंदर आओ। वेलोसिटी मतलब वेग की दिशा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को भी इक्वेशन में लाते हैं। यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड। सब समझ गए? हाँ सर। सब लोग अंदर आओ। सब खड़े हो जाओ। चलो चलो जल्दी गेट अप। आज मैंने 2 टॉपिक समझाए हैं। पहला है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी। मैं दोनों टॉपिक्स पे टेस्ट लूंगा, सब तैयारी करके आना। लेकिन सर हमें तो सिर्फ स्पीड सिखाया है। पर सर आपने तो हमें सिर्फ वेलोसिटी पढ़ाई है। आज मैंने दोनों टॉपिक सिखाए हैं, पहला है स्पीड दूसरा है वेलोसिटी। दोनों टॉपिक्स पे टेस्ट लूंगा, तैयारी करके आना। सर ये तो गलत है सर। क्यों गलत है? हाँ सर, सिखाए बिना हम टेस्ट कैसे देंगे? तुम लोगों को इस बात से तकलीफ हो रही है कि मैंने एक टॉपिक का 2 लोगों में बंटवारा कर दिया, लेकिन पता नहीं कितने सालों से तुम लोग इंसानियत का बंटवारा कर रहे हो, वो भी जाति के नाम पर। उससे तकलीफ नहीं हो रही है? हाँ ये तो हमारे साथ भी नहीं बैठते सर। ये तो गांव है, यहाँ तो चलता होगा। शायद आगे चल के तुम लोग किसी शहर में ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, क्या वहां भी भेदभाव करोगे? और पढ़ लिख जाओगे तो अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारा बॉस नीचे जाति का हो। छी, मैं काम नहीं करूंगा ये बोल के मना कर दोगे? मैं तुम सबको इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, क्या तुम्हें मेरी जाति पता है? जानना जरूरी नहीं समझाना, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो तुमने जानना जरूरी नहीं समझा। सत्तू से जब तुमने अपना होमवर्क करवाया तब तो तुमने उसकी जाति नहीं देखी। क्यों? क्योंकि जरूरतें जात पात नहीं देखती। जब ऊपर वाले ने बनाते वक्त भेदभाव नहीं किया तो हमें भी भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हम सबको साथ में पढ़ाइए। नहीं, आज मैंने तुम सबको 2 टॉपिक सिखाए, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। सर सर सर, पर हमने क्या गलती की है? ए वीरा, सर ने जो सिखाया वो तुझे समझ में आया ना? हाँ समझ में आया। ठीक है तो मैं तुझे स्पीड सिखाता हूँ और तू मुझे वेलोसिटी सिखा, ठीक है ना? आ जा। परमाते, आ जा। अरे आ जा। Thank you.
जाने के लिए मना किया था, दिल में आओगी तो मना कैसे करूंगा। पास वाले एसटीडी बूथ का है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करना। तुम चाहे नजरों में हाजिर ना होना, फिर भी मैं फुल मार्क्स तुमको दे दूंगा। खुशबू फूल के वैसे मैं रहूंगी तेरे पास हमेशा ही, मेरे नाम के आगे ना से पूछना सारे ग्रह नक्षत्र अपनी जगह पर है या नहीं। में पास हो गए, सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास से पास हुए थे, पूरे कॉलेज में जश्न का माहौल था। कितना सुंदर लग रहा है ना। हाय। अरे सबका हौसला बढ़ाया तभी तो ये हुआ। नमस्ते छा गए मैथ बाबू। सर 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 सर, वो मीनाक्षी मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही। बालू सर। मैडम, सर एक मिनट सर। अरे जीजा जी। नमस्ते सर। सर कैसे हैं आप सर? कैसे हैं जीजा जी? सर बाल गंगा था। मैं हूँ सर। पता है जीजा जी, जब से पता चला ये आपके आदमी है तब से इनकी खातिरदारी कर रहा हूँ। सर आपने मुझे पहचाना ना, उस दिन मीटिंग में मैंने आपसे सवाल पूछा था। वो तुम थे? हाँ मैं ही था। जीजू आओ ना, हाँ, ये काटते हैं। आइए ना प्लीज। महालक्ष्मी आओ ना, इधर इधर। जीजू वैसे तुम जीजू सर मुझे खिलाइए ना। सर सर मुझे भी खिलाइए। सर आपका दिया हुआ चैलेंज मैंने पूरा कर लिया, बल्कि और अच्छे से पूरा किया। सारे स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से पास हो गए, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैंने ही उन्हें पढ़ाया है, और बायोलॉजी मीनाक्षी मैडम ने पढ़ाया। बहुत ही अच्छा पढ़ाती है सर। गुड। सर इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाइए,
अगले साल मेरे सारे स्टूडेंट टॉप मार्क्स से पास होंगे सर। ये कचरे में रहने वाले एक बार गलती से पास क्या हो गए तो तू खुद को टॉप समझ रहा है? डिस्टिंक्शन माय फुट। सर मैंने क्या किया सर? तेरी वजह से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे कॉलेज का पासिंग रेट 75% और इस सरकारी कॉलेज का पासिंग रेट 100% है। अब हम सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे। टाउन ब्रांच के मिडिल क्लास कस्टमर्स ऐसा बोल रहे हैं। कस्टमर्स नहीं सर, वो स्टूडेंट्स हैं। कस्टमर्स ही है, ब्लडी कस्टमर्स। ये बिजनेस है, हर बड़े बिजनेस के कस्टमर्स मिडिल क्लास वाले होते हैं। सालों लगे मुझे उनका ब्रेन वॉश करने में और तू सब कुछ बदल रहा है। मैंने क्या बदला? अच्छी एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं, जानता है त्रिपाठी के लोगों का मतलब ज्यादा से ज्यादा कमाई। जीरो फीस जीरो एजुकेशन, ज्यादा फीस ज्यादा एजुकेशन, आजकल यही सब चलता है। इंटर प्लस एमसेट 25,000 रुपीज, इंटर प्लस आईटी 45,000 रुपीज। ये है बिजनेस। जिसके पास पैसे होंगे वो अपनी जेब से भरेगा, जिसके पास कम होंगे वो कर्जा लेकर भरेगा। और अगर उनके पास पैसे ही ना हो तो? तो उनके लिए है ना ऐसे सरकारी कॉलेजेस। देखो उन्हें जिंदगी से बहुत कम उम्मीदें होती हैं। इंटर फाइनल का एग्जाम देना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जब पास हो जाते हैं तो केक काट के खुशी मनाते हैं। लेकिन आखिर में होता क्या है, गाँव में खेती बाड़ी करेंगे या मैला कचरा उठाएंगे, और शहर में आके ड्राइवर बनेंगे या किसी के झूठे बर्तन साफ करेंगे। Bloody lower middle class. मेरे पापा भी ड्राइवर हैं सर, मेरा परिवार भी लोअर मिडिल क्लास है। नहीं मेरा मतलब तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। आपने इन कॉलेजेस को बेहतर बनाने के लिए टेक ओवर नहीं किया है, बिजनेस बढ़ाने के लिए किया है। तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझे यहाँ इसलिए नहीं भेजा कि आपको मुझ पे भरोसा था, आपको लगा कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। अरे बालू, गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल गया, बुरा मत मान, भूल जा सब। तू तो बहुत टैलेंटेड है, वो मैंने देख लिया। ये जगह तेरे लायक नहीं है, चल मेरे साथ, मैं तुझे मेरे कॉलेज में सीनियर लेक्चरर बनाता हूँ। 50 नहीं 1,00,000 दूंगा, घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, आजा मेरे साथ। सर खाना लग गया है सर। चल खाना खाते आजा। अच्छे से खाइए सर। सुनो ना, थोड़ा वहां जाके बैठो ना, बुरा मत मानना प्लीज। ठीक है साहब, और चाहो तो ले लो। लोअर मिडिल क्लास सर, अक्कल नहीं होती इन्हें। आप खाइए ना, अच्छे से खाइए। आपको पता है सर, लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं सर। खुद तो भूखे रह जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रखते। वो बच्चों के लिए तो नए कपड़े लेते हैं लेकिन खुद के कपड़ों पर रफू करके पहनते हैं। अगर ये लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में भेजना भी चाहें तो उन्हें हर महीने अपना खून बेचना पड़ेगा। उनका खून आप कब तक पिएंगे सर? मैंने सोच समझ कर एक फैसला लिया है, आपके ऑफर से ज्यादा जरूरी मेरे लिए उनका फ्यूचर है सर, और उनकी जिंदगी मुझे अपनी सैलरी से ज्यादा प्यारी है। कर क्या लेगा तू, हो सकता है अगले साल भी तू उन्हें पास करवा दे, इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ पास नहीं होंगे सर, टॉप करेंगे। कैसे? यहाँ पर 27 एमपीसी स्टूडेंट्स हैं और 18 बाईपीसी स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट को एमसेट रैंक मिलेगा सर। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
विद्या और ज्ञान मंदिर में मिलने वाले प्रसाद जैसा होता है सर, उसे बांटिए। 5-star होटल की डिश बनाकर भेजिए मत। त्रिपाठी सर, दिमाग ठंडा रखिए, बीपी कंट्रोल में रहेगा। बाय बाय सर। जीजा जी जरा रुकिए एक मिनट। फोटो लो। हाँ एक मिनट सर। बेवकूफ। एक और फोटो सर। जीजा जीजा कल को पहले पेज पर छपेगा। तुम्हारी जगह अगर उसकी फोटो छपी तो क्या होगा? बेरोजगार टीचर्स को इकट्ठा करके मैंने ये अपना साम्राज्य खड़ा किया है। कोई भी अनगहरा आकर इसे बर्बाद कर देगा और मैं देखता रहूंगा। अरे जूनियर लेक्चरर है, निकाल दो उसे। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ ना उसके साथ, 6 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा ना, और उसे मैं इतना टाइम तो दे नहीं सकता। इसका मतलब सरकार तुम्हारे लिए खामियाजा भरे, ऑपोजिशन वाले धुलाई कर देंगे हमारी, सीएम नहीं मानेगा ना। त्रिपाठी एक और महंगी गाड़ी ले ली। ये मेरी नहीं है। आ, क्या मतलब? तुम्हारी है। मुझे कोई एतराज नहीं है, पर सीएम नहीं मानेंगे। ये सफोला यहाँ क्यों आया है? सीएम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, पर ओपोजिशन लीडर बोले तो उसे मानना पड़ेगा। त्रिपाठी हम पर एक एहसान करोगे क्या? क्या? कभी भी पॉलिटिक्स में मत आना। पक्का नहीं आऊंगा, एजुकेशन में पॉलिटिक्स से भी ज्यादा पैसा है। हमारे देश में दिन ब दिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसकी असली वजह सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है स्पीकर साहब। मुखिया जी ने मुझे मना किया कि आपको दूध ना दूं। अगर आपको दूध चाहिए तो कहीं और से खरीद लीजिए, मैं मजबूर हूँ सर। मेरे बेरोजगार भाई जिन्होंने नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का दरवाजा खटखटाया था, बताइए उनके लिए क्या इस सरकार के पास कोई जवाब है, कोई नौकरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर के हाथों से निकालने का बिल पास किया जाए। गाड़ी की चाबी जाके अंदर दे दो, और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ सर? जाके अपने बेटे से पूछो। सर पिछले साल अफसरों की लापरवाही की वजह से गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरर्स की भर्ती नहीं हो पाई। ऐसे में प्राइवेट कॉलेजेस ने उनकी कमी को पूरा किया और एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हाल ही में लिए गए इंटरव्यूज में 500 लेक्चरर्स को चुना गया है। अभी तक उनकी पोस्टिंग की लिस्ट तैयार नहीं हुई है, और इसकी वजह यह है कि अब सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस के अंडर हैं। हालांकि ये कदम जनता के हित में लिया गया है, पर इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, और इसीलिए तभी जो प्राइवेट कॉलेजेस के साथ MOU साइन हुए थे उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, और इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में पोस्टेड प्राइवेट लेक्चरर्स को वापस बुलाने का आदेश दिया जाता है। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हर साल मीनाक्षी के पिताजी की बरसी के लिए काशी जाती हूँ। इस बार मीनाक्षी भी मेरे साथ आ रही है।
बाय, अपना ख्याल रखो। सत्तू, सत्तू भाई साहब, सत्तू को कहीं देखा क्या? वो अड्डे पे दारू पी रहा है। देनी है तुझे, शर्त याद है ना, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। माँ बाप चले गए, तुम भी जा रहे हो, किसके लिए दूं एग्जाम? अब इसका कोई मतलब नहीं है। तेरा सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मुझे माफ कर दे बेटा। पापा अभी क्या हुआ? तेरी वजह से एक भी स्टूडेंट इंजीनियर बनता है ना, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जब उसके माता पिता खुश होंगे ना मेरे बेटे की वजह से, तो मुझे गर्व होगा। आज आपको क्या हो गया है? ये क्या पुरानी बातें लेके बैठे हो? अगर बच्चों की जिद पूरी ना हो तो बच्चे एक दो दिन रोते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन जब तक बच्चों की जिद पूरी नहीं होती बाप हर रोज रोता है। तू अभी मेरा दर्द नहीं समझेगा। जंग तो अब शुरू हुई थी। अब पढ़ाने वाले नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जाते समय मुझे अपनी बुक दे देना। ये लोग बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? ए वीरा, इतनी सुबह सब कहाँ जा रहे हैं? क्लास के लिए जा रहे हैं। क्लास के लिए? प्रोफेसर तो एक महीने बाद आएंगे, फिर क्लास कैसी? अब ये क्या नया झमेला है? जाकर देखते हैं। चलिए। झोपड़ी बनाकर पढ़ा रहा है। सर, 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 सर। निकल, निकल। क्या यार? बताइए ना, मैं क्या करूं जीजा? उल्लू के पट्टे, उसने खेत में झोपड़ी बनाई है और तू सरपंच होकर मुझसे पूछ रहा है क्या करना है? ए सुनो रे, पता करो ये खेत किसका है। सर क्या चल रहा है? Yeah.
सर, इन गुंडों ने आकर वो जगह तोड़ दी जहाँ बच्चे पढ़ते थे। अरे मैं जानता हूँ क्या हुआ है, चल मेरे छोड़िए मुझे। समझ गया, सब मिले हुए, सबके सब मिले हुए। क्या बक रहा है तू? कितने में बेचा खुद को? क्या बोला तू? क्या कीमत लगाई इस वर्दी की? पुलिस पर इल्जाम लगाता है नारे लाड़ी ने। ये वर्दी आपको सरकार ने उनके तलवे चाटने नहीं दी है। पुलिस पर रिश्वतखोर बोलता है। पुलिस ऑफिसर में हाथ उठाता है, जिंकर भी निकालता है। लाड़ी निकाल, लाड़ी निकाल। सर, मास्टर को मारना पाप होता है सर। हो गया, पुलिस वाले को मारना पुण्य होता है। ए, सबक सिखा मास्टर का। सरपंची, पुलिस वालों ने हमारे बालू सर को गिरफ्तार कर लिया है, जल्दी चलिए ना। हमारे बालू सर? क्या बात है, चार दिन में ही बड़े घनिष्ठ मित्र बन गए। पुलिस वाले पागल है क्या जो गिरफ्तार करेंगे? अरे उसने सुबह के खेत हड़प लिए थे, इसने कंप्लेन की इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ है। सुबह की इजाजत से ही क्लासरूम बना है, बताना। बोलना। आपके लिए फोन है। कौन है? SI का। हेलो सर, स्टूडेंट्स बेकाबू हो गए, स्टेशन के बाहर दंगा कर रहे हैं। तो लाठी चार्ज करो, सब भाग जाएंगे। इसमें आपकी बेटी भी है सर। क्या कहा? चुपचाप अपने माता पिता के साथ घर चले जाओ। तेरी बेटी है ना, लेकिन उसे जेल में रखकर महान बनाने की जरूरत नहीं, उसे बस गांव से बाहर निकाल दे। ठीक है। इज्जत के साथ नहीं, बेइज्जत करके। जूनियर कॉलेज में बच्चों की किताबें बेचकर बाला ने पैसों की हेराफेरी की। और सुनो, पंचायत के सदस्यों के साथ सुबैया के खेतों पर कब्जा किया, पुलिस वालों से बदसलूकी की, यहाँ तक कि बच्चों को भड़काकर उनसे दंगा करवाया। इसलिए मालिक ने फैसला किया है कि मास्टर बाला को इस गाँव से बाहर निकाला जाता है। साहब, आपने मुझे बुलाया? मेरी चप्पल टूट गई है, जल्दी से सिल दे। क्या रे, तुम्हारी बेटी अपने आप को तोप समझती है क्या? पुलिस वालों पे पत्थर फेंक रही थी। नहीं मालिक, वो चुप कर, नहीं तो जबान खींच लूंगा। उधर क्या देख रहा है? अरे वहां क्या देख रही है? अब क्या नाटक है? लगता है पुलिस वाले मास्टर को लेकर यहाँ आए हैं, उसे दफा कर। ठीक है।
क्या कर रहा है? की धूल ये धूल माथे लगी गुरु मार्ग
उठ के सूरज कहाँ जाने लगा, आंखों में फिर अंधियारा है छाने लगा। कुछ भी होगा नहीं पहले साब तेरे बिना, कैसे काटे पल पल ये हम तेरे। उनके घर पहुंचा दीजिए। बैठे बैठे दम घुटता है रे, याद कर तुझे जाने कहां लेके। क्या हुआ, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है? हाँ जरा कहा शारदा, जल्दी आओ। अरे वो बालू तो नहीं है? ठीक हो ना? मैडम मैं आपको फोन करने ही वाला था, आप ठीक तो है ना? मैं वहाँ आ जाती हूँ सर, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। नहीं मैडम, आप यहाँ मत आइए, बच्चों को आपकी जरूरत है, वैसे भी सब खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारे रिश्ते के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? कहा ना सब खत्म हो गया। हेलो हेलो गया? आज से यही आपको पढ़ाएंगे, ये लक्ष्मी जी, ये रमेश बाबू। बुझने लगी है सारी आशाएं, बुझी बुझी है लौ, जैसे उम्मीद में खुला कोई कोहरा सा हो, पर तुम्हारी रोशनी का नूर है यहाँ। क्या हुआ अगर तो हमसे दूर है वहाँ, तुमसे ही है मुस्कान ये पहचान, तुमसे ही है तू जो नहीं हम भी नहीं, ईमान तुमसे ही है, जिसमें ईश्वर का गुण है वो इंसान है तू। तुमसे ही है जीना मरना पालनहारे, तुझसे जुड़े तकदीर के मारे सारे। नूर उठ के सूरज कहाँ जाने लगा, आंखों में फिर अंधियारा है छाने लगा। आ गया क्या? अरे अभी काफी दूर है बेटा, घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या करूं अंकल, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसे नोट कर लो। ठीक है सर। X टू द पावर ऑफ Y। शिवानी आज क्लास के लिए फिर लेट हो गई। मैडम आप कैसी है? मैडम लाइए मुझे। आपकी माँ कैसी है? मैडम मैंने आपसे कहा था मुझे आपके पास आना है, बिना मेरी बात सुने अपने फोन ही काट दिया। गलती मेरी ही थी, लड़कों पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए, फिर भी मैंने आप पे किया, सजा तो मिलनी थी। मैडम चुप हो जाइए, बच्चे क्या सोचेंगे। मैडम प्लीज। वो साबुन बेचने वाली है। अरे ये लोग दो मिनट भी चैन से नहीं रहने देते, कभी साबुन बेचेंगे कभी वॉशिंग पाउडर। देखो बेटी तुम चाहे कितना भी रोलो, मुझे तुमसे किसी तरह का कोई भी पाउडर नहीं खरीदना। आपकी बेटी ने मुझसे शादी का वादा किया और छोड़ दिया। अबे ये कुछ भी बोल रही है? अरे अरे अरे, अरे ये क्या और कह रही है? शांत हो जा मां। बेटी थोबड़ा तो दिखाओ अपना, मेहनत तो मेरे जैसे ही है। इतनी सुंदर लड़की को तूने मना कैसे कर दिया? देख पालू, किसी लड़की को रुलाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। कदी ओए क्लास खत्म हो गई, चलो। नहीं सर, मुसीबत है। अरे भाभी क्या हुआ?
आपके शिष्य ने इस लड़की से शादी का वादा किया और इतना ही नहीं, इसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। प्रेग्नेंट? ऐसा नहीं है माँ। नहीं नहीं, तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं किया? नहीं आंटी। तब तो ठीक है। सुन ले नालायक, अगर तूने इसे शादी नहीं की ना तो मैं जहर खोलूंगा। ये क्या पागलपन है माँ, बिना सोचे कुछ भी बोल रही हो। मैं इसका ख्याल रखूंगा कैसे, और घर में जगह भी तो नहीं है। मेरी कमाई से मेरा खुद का खर्चा नहीं निकलता है माँ। ऐसा है तो मैं भी काम करूंगी सर, और अगर जरूरत पड़ी तो ट्यूशन्स भी ले सकती हूँ। बायोलॉजी की कोई ट्यूशन नहीं होती, वो तो बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं मैडम। ना मुझे कभी कम समझना और ना ही मेरे सब्जेक्ट को। शारदा मुझे भी परोस देना। क्या बात है, आज बड़े चमक रहे हो। है? अरे इसे क्या हो, अचानक बाहर चला गया? वो शर्मा गए होंगे। ओ, शर्मा गया। ए, तुम कौन हो? शारदा, शारदा, शारदा। ये हमारी होने वाली बहू है जी। बहू? सिरीपुरम कॉलेज में बायोलॉजी की लेक्चरर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सर बहुत अच्छे, फुल मार्क्स। स्टूडेंट्स की बहुत याद आती है मैडम, नए टीचर्स ठीक से तो पढ़ा रहे हैं ना। थैंक यू। नहीं सर, कॉलेज तो पूरा खाली है, एक भी लेक्चरर ढंग का नहीं मिला आपके जाने के बाद। छुट्टी लेकर प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने चले जाते हैं। आप ही को कुछ करना होगा सर। मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी मैडम। दीजिए ना अंकल। जाने दीजिए। पढ़ाई करनी है अंकल, पैसे दीजिए ना। मैं भले ही लाख कोशिश कर लूं, ये टीचर की जॉब मुझे नहीं मिलने वाली है मैडम। दीजिए ना अंकल, सिर्फ 5। इसलिए थैंक यू अंकल। कोई फायदा नहीं मैडम, वैसे भी मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ट्यूशन भी लेना बंद कर दूँ। आजकल ये भीख मांगने का नया तरीका है। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, बुक खरीदने के लिए पैसे चाहिए। ए, चल रहे, तुरंत। कहीं चोट तो नहीं लगी? सर, आप मुझे 5 रुपए देंगे? सिर्फ 5 रुपए ही चाहिए। मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई रुकवा कर होटल पे काम पर लगवा दिया, एक दिन के 20 रुपए। तो भीख क्यों मांग रहे थे? मैं रोज के 30 से 40 रुपए भीख मांग के कमा लेता हूँ सर, उसमें से 20 पिताजी को देता हूँ और 20 पढ़ाई के लिए रखता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें रोज 20 रुपए दूंगा, वो अपने पिताजी को दे देना, लेकिन तुम्हें यहाँ रोज पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। जैसा गुरु वैसा चेला। ये क्या कह रहे हो सर, मजाक कर रहे हो? अरे सच कह रहा हूँ। वादा कर, पढ़ाई करेगा ना? मैं पढ़ूंगा सर, मैं पक्का आऊंगा। ये बात घर पे जाकर माँ को बता देता हूँ। थैंक यू भैया। आपकी यही बात मुझे पसंद है सर, आप चाहते हैं कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स, आप उन्हें ऐसे ही बीच रास्ते छोड़ देंगे? सर मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं हार चुका हूँ। सर अगर आप ही इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो वो 45 बच्चे भी हार मान लेंगे जिन्हें आपसे उम्मीद है। मैं भी चाहता हूँ बच्चे कामयाब हो, आसमान छुए, पर मजबूर हूँ, उन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, पर उस गांव में कदम भी नहीं रख सकता। आपने एक वीरान कॉलेज को स्टूडेंट से भर दिया था सर, जहाँ चाहे वहाँ राह है। समझ गया, गांव में
में मेरा रहना जरूरी नहीं है, उन बच्चों का पढ़ना जरूरी है। मैं पढ़ाऊंगा। भूषण जी, वो सब छोड़िए, मुझे आपकी मदद की जरूरत। अरे हुकुम कीजिए। आपके चहेते सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म देखने जरूर आइए अरुणाचलम। आजकल रंगीन फिल्मों का धंधा मंदा है मालिक, एक्शन फिल्में फैमिली फिल्मों से भी ज्यादा कमाई कर रही है। आर्मी के बच्चों के लिए शाम 6 बजे का शो फ्री, भूलना मत। इंटर सेकंड ईयर के बच्चों के लिए शाम 6 बजे का शो फ्री है, आना जरूर। तो देखिए सुपरस्टार रजनीकांत की एक्शन फिल्म। तो अब तू बच्चों को भी कस्टमर बना रहा है। गोपिका जी, मैडम ठीक 6 बजे थिएटर में आ जाना, अपने दोस्तों को भी ले आना। ठीक है, अगर आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? हमने सिंगापुर से एक नया प्रोजेक्टर मंगवाया है, उसे VCR से भी चला सकते हैं। मीनाक्षी मैम और दीक्षित सर आपको कॉलेज में ही पढ़ाएंगे। फर्स्ट ईयर की तरह 70-80% परसेंट से काम नहीं चलेगा, इस बार 90% से कम नहीं आने चाहिए, समझ गए? क्या 90%? तुम सब कर सकते हो मुझे पता है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इंटर में मार्क्स लेना नहीं है।
तुम्हारा कद बहुत ऊंचा होगा। मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, करेंगे। इस मिशन में जो भी मेरा साथ देगा वो हाथ उठाए। चीफ सुपरवाइजर तुम ही हो ना? जी सर। मेरे स्टूडेंट यहाँ एग्जाम देने आए हैं, उनकी जो भी जरूरत हो पूरी कर देना, समझ गए? सर आपसे कल तक तो अब मैं चलूँ। मैं ख्याल रखूँगा। गुड मॉर्निंग सर। कौन हो तुम? सर मैं वो पापा राव की बेटी हूँ। पापा? सर श्रीपुरम के सरपंच की बेटी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर हमारी एग्जाम का सेंटर यहाँ आया था, आज हमारी लास्ट एग्जाम थी, हमने अच्छा किया सर। हाँ सर। चलते हैं सर। बाय सर। मुझे बुलाया सर? उसका नाम बाल गंगाधर तिलक है, ढूंढो वो कहाँ है। ओके सर। इसे क्या हुआ, इतनी रात में भी पढ़ाई कर रही है? आपकी बेटी को इंजीनियर बनना है। पर वो किस लिए? इसे वैसे भी शादी करके अमेरिका जाना है ना? उसके लिए मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए
मैं खुद अपने बलबूते पर अमेरिका जा सकती हूँ। तू जो हटेगा पीछे कभी नहीं तेरे पीछे। अरे क्या कर रहा है, पैर दबा। मैं पढ़ाई कर रहा था। चलेगा आगे पीढ़ियों से कैसे मांगे आजादी ये दुनिया। लहरों से भंवरों से डरे ना जो पहरों से उसको क्या। ये हमारी ब्रांच के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स है सर, टॉप रैंक प्रोस्पेक्ट्स। बस चल तू। थिएटर में कैसेट को चला देना, संभल कर जाना ठीक है। बालू यहाँ नहीं है सर, लेकिन वो अपने लेक्चर्स कैसेट्स में रिकॉर्ड करके बच्चों को पढ़ा रहा है। रिकॉर्ड करके? हाँ सर। हेलो। वो तुम्हारे गांव के थिएटर में वीडियो क्लासेस ले रहा है और तुम आराम से घर पे बैठकर टीवी देख रहे हो हाँ? अरे नहीं जीजा, वो तो ये वीडियो क्लास क्या होता है जीजा? मेरी बात सुन, कल एमसेट का एग्जाम है। तेरे गांव का एक भी बच्चा उस एग्जाम में नहीं होना चाहिए। समझा जीजा। कमीनेपन के लिए एक हद होती है, अगर वो पार कर दी तो अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगा। मुझे लगा आगे चलकर तुमसे रिश्ता बनाने का फायदा होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं कई गलतियां कर बैठा हूं। बस कह रहा हूं। हाँ कहां थी तू इतनी देर तक, कितने बज गए पता है? सुनो उसे डांटो मत। क्यों ना डांटू, ये इतनी रात तक बाहर रहेगी तो कैसे चलेगा। तुम अंदर जाओ। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अच्छी चल रही है पापा। ठीक है जाओ सो जा, कल परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है पापा। ये वाला चैप्टर अच्छे से याद कर लिया ना? के लिए मैं ये बस हाईजेक कर रहा हूँ, कोई हिलेगा नहीं यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता, हमारा एग्जाम है। तेरी तो, बैठ जा चुपचाप। मारता क्यों है सब? ए गोपाल चुपचाप बैठ जाओ और तुम सब भी अपनी जगह बैठकर पढ़ाई करो। महालक्ष्मी अपनी बुक उठाओ। हे सामने विलन खड़ा है, तुम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है? डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों बे? आगे तेरे ना तो बस हिमालय हो जाएगा, फिर जाने तू कैसा था झूठा लगा दे तू पूरी ताकत तोड़ा मत खुल तेरे दिमाग के द्वार आज से शंभू शंभू ये है जग की महाकाल की। बनसारती है साथ दिया, हर के राक्षसों को शिव ने सुधार दिया। हिमालय
बच्चों को शहर में एग्जाम देने जाना है, आप इन्हें छोड़ देंगे तो मेहरबानी होगी। बैलगाड़ी पर अनाज रखा है बाबू, इन्हें कहाँ बिठाएंगे, नहीं हो पाएगा। भैया अगर आज इन्होंने एग्जाम नहीं दिया तो इनका भविष्य उजड़ जाएगा। पर ये अनाज ए रमैया, ये अनाज क्यों फेंक रहा है, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, रख वापस। मेरा दिमाग खराब नहीं है, सोच समझ के किया है। अनाज को तो कल भी बेचा जा सकता है, लेकिन बच्चों का भविष्य कल नहीं बन सकता। अब समय बर्बाद मत करो, बच्चों को ले जाओ, आप अनाज को नीचे उतार दो, जल्दी उतारो, जल्दी खोलो, उतारो। जल्दी कीजिए, चलिए।
सभी मेरिट से पास हुए सर। आपकी रैंक कौन सी थी? मुरली कृष्णा 41 मेडिकल। सुरेश 59 मेडिकल। भार्गवी 9 मेडिकल। कुसुमा 55 इंजीनियरिंग। अनंतलक्ष्मी 43 मेडिकल। एन रामबाबू 29 इंजीनियरिंग। एम वेंकटलक्ष्मी 30। बी महालक्ष्मी 15। सी पद्मावती 8। जी प्रमीला 33। बी वीरन्ना 9। जी महेश 17। तो सारे 45 टॉप रैंकर्स थे? 46 थे। कैसे सर, स्टूडेंट्स तो सिर्फ 45 थे ना? एक हॉल टिकट और है। एस मूर्ति, एस मूर्ति फर्स्ट रैंक। किसका है? मुझे मिलाकर 46 थे। आपको देने के लिए कहा है। सत्तू, तेरा पूरा नाम क्या है? अनुपम सत्यनारायण मूर्ति। इतना बड़ा नाम कोई रखता है? से 4,000 रुपए का खर्चा आएगा तुम्हें, पर तुम्हारी आमदनी तो कुछ 900 रुपए है ना? जी मालिक। कोई बात नहीं, कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। इसे विदेश भेजूंगा पढ़ाई के लिए। मैं इसे अमलापुरम में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दिलवाऊंगा। तुम्हारी माँ के लिए शहर में होटल बनवाऊंगा। बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए,
तुम्हें बस ये कहना है कि तुम्हें ये रैंक त्रिपाठी इंस्टीट्यूट से पढ़कर मिली है। तुमने मेरे कॉलेज से 6 महीने का कोर्स किया था, इसमें यही लिखा है, साइन कर दो। जो खेत गिरवी रखा था वो अब तुम्हारा हुआ। ZPTC चेयरमैन पोस्ट तुम्हारी हुई। तुम्हारे सारे स्टूडेंट ने मेरे एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। नींद में उठाकर भी पूछोगे तो यही कहेंगे कि मेरे कॉलेज से पढ़कर पास हुए। अगर गलती से भी उन्होंने पब्लिक में तुम्हारा नाम लिया तो मैं उनके भविष्य की धज्जियां उड़ा दूंगा। बात समझ में आई? उस दिन असेंबली वाले दिन मैं तुझे ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि तू दूर खड़ा था, चूहे जितना है तू, और शेर को ललकारने निकल पड़ा। हाँ त्रिपाठी सर, उस दिन आपने मुझसे एक बात कही थी, जीरो फीस जीरो एजुकेशन, मोर फीस मोर एजुकेशन। उस बोर्ड पर जितने भी बच्चों की फोटोज लगी है ना, उसमें से किसी भी बच्चे ने 1 रुपया भी फीस नहीं दी है, बल्कि आपने उनको लाखों रुपए देकर उनके रैंक्स खरीदे, उनकी कीमत आपने लगाई है। और इसे आप अपनी जीत कहते हैं? नहीं सर, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। चलता हूं। जिस आदमी को तुम पर भरोसा नहीं था, आज वो खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आया है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम उसके इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर्स बनो, वैसे ही जैसे हर ब्रांड का एक सेलिब्रिटी होता है। यही वो इज्जत है जो मैं चाहता था तुम्हें मिले, और वैसा ही हुआ। सुपर, ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दो। अफसोस, हमारे देश में एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। आगे जाके इसकी जड़ें और भी गहरी होती जाएंगी। बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा जब जूनियर केजी की फीस आज की इंजीनियरिंग फीस से ज्यादा होगी। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक बाप अपने आप को भी गिरवी रख देगा। ऐसे लुटेरों में फिलहाल हमें त्रिपाठी नजर आ रहा है, पर उस जैसे शिक्षा के व्यापारी इस देश में लाखों हैं। तुम्हारे पढ़ाई की हर जरूरत त्रिपाठी जैसे लोगों के जेब से ही पूरी होनी चाहिए। त्रिपाठी के स्वार्थ में ही तुम्हारी जीत है। अगर वो हायर एजुकेशन के लिए भेज रहा है तो जाओ, उसके अहंकार को अपने कामयाबी की सीढ़ी बनाओ और एक अच्छे मकाम पर पहुंचो और जिंदगी में तरक्की करो, और फिर उनकी मदद करो जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। उन सबको भी अपनी तरह कामयाब बनाओ। तुम देखने में तो 46 हो, लेकिन अगर तुम ठान लो तो पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल सकते हो। तो पहला कदम बढ़ाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई का पहला दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। सभी लेक्चर्स पहले दिन से बहुत हेल्पफुल थे, प्रोत्साहन देते थे। आ जाओ, जाओ जाकर बैठ जाओ, जाओ। मैं जब जब भटका उन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई। अगर मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। उन्होंने मेरे लिए एक लक्ष्य रखा और उसे पाने में मेरी मदद की।
मेरे माता पिता नहीं है, त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही मेरा परिवार है। वहां सब अपने माँ बाप के साथ जाते हैं, मेरे माँ बाप नहीं है, उनसे पूछे ना वो मेरे साथ आएंगे। वो चले गए, किसी दूत की तरह वरदान देकर गायब हो गए। उस दिन के बाद हम कभी बालूसर से नहीं मिले। शायद उन्हें लगा होगा कि उनकी वजह से त्रिपाठी हमें परेशान करेगा, इसलिए वो चले गए। वो टूटा हुआ थिएटर जहां बालू सर हमें सिखाया करते थे, उसे अब हमने कोचिंग सेंटर बना दिया है। पूरे साल भर में हम 46 लोगों में से कोई एक वहां जाकर गरीब बच्चों के लिए क्लासेस लेता है। तेरे दादाजी की फोटो, दादाजी की फोटो। क्योंकि विद्या के इस महासागर में सभी को तैरने का हक है। हमारे बालू सर के लिए ये हमारी तरफ से गुरु दक्षिणा है। वैसे अब बालू सर कहाँ पढ़ाते हैं सर? नहीं पता। अंकल एक पाव देना। ये लो बेटा। थैंक्स। क्या तुम पढ़ाई करना चाहते हो? बिल्कुल सर। तो चलो मेरे साथ। पर वो जहां भी होंगे वहां कभी विद्या बिकेगी नहीं, हमेशा प्रसाद की तरह बांटी जाएगी। निर्मोही चला चल रे बंजारा, साजिए किसी का